हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज है हरतालिका तीज, आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मेहंदी कल ही लगाना था लेकिन कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अभी सुबह सुबह ही बैठ गई मेहंदी लगाने। मेहंदी मैं खुद से बहुत दिन बाद लगा रही हूँ, आई थिंक 2018 के बाद खुद से आज लगा रही हूँ। बाएं हाथ में तो जैसे तैसे लगा ली, दाहिने में मुझसे नहीं होता क्योंकि उल्टा पड़ता है। तो पड़ोस में एक आंटी है, उनकी बेटी को ही बुला लेती हूँ। बच्ची बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छे से मेहंदी लगा देती है। थोड़ी ही देर बाद पार्सल भी आ जाता है। अब शाम भी हो गई है और मेहंदी का कलर भी ठीक ठाक ही आया है। मेहंदी दिन में लगाई तो मुझे लग ही नहीं रहा था कलर आएगा भी। पार्सल में आया है इयररिंग, मांगटीका और नेकसेट जो 10 सितंबर को आने वाला था। ऐसे मंगाई थी मैं तीज के लिए ही, तो रिसीव कर ली। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। मंडप मैं बनाई थी दिन में ही। हमारे घर में पहले कोई तीज नहीं किए हैं तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है मंडप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टाइम है तो मेरे से जैसे बन पाया बना ली। तो पूजा मैं कर ली। पूजा करते करते कुमकुम भी मेरे पूरे फेस में लग जाता है। आज तो पूरी रात जगना भी है और अब फिर से पूजा करूंगी सुबह 4 बजे से। The next morning. तो गाइस, सुबह के बज रहे 6। पूजा तो 4 बजे से ही शुरू की थी जिसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अब बारी है पारण करने की। ऐसे मैं पानी पी ली हूँ, भूख तो मुझे अभी भी नहीं लगी है। ऐसे डेली रूटीन में भी मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ तो ये तो निर्जला व्रत ही था। प्यास तो लग ही रहा था पर गौरी माँ के कृपा से तीज बहुत अच्छे से गया। फर्स्ट टाइम था फिर भी उतनी परेशानी नहीं हुई। और अब देखो मेहंदी भी पहले से ज़्यादा निखर कर आई है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, बी ट्यून्ड एंड टेक केयर।